चिच्ची उंगली छिल गई है मेरी, दोनों चिच्ची उंगली चली गई, दूसरी चिच्ची में भी लगानी है। ये आए हैं ट्रैवल करने और ये हैं ट्रैवल ब्लॉगर, ठीक है। जिन 2 दिन चल गए ये चिच्ची उंगली छिल जाती है। मेरा तो प्रॉब्लम है लेकिन उसमें भी पूरी तरह से चलने की कोशिश कर रही हूँ, ब्लॉग करने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत बड़ी बात है भाई। धन्यवाद अपने आप को कहूंगी मैं। रियल में पाकिस्तान जाए ना जाए, यहाँ पे पाकिस्तान का पूरा मजा ले लेंगे हम लोग। ये एंटर किए हम लोग पाकिस्तान में, मतलब ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि पाकिस्तान कुछ ऐसा ही दिखता होगा। अच्छा लगा, खूबसूरत है बहुत ज्यादा। इसका ना जो वो है कमीज है वो दिखाना, ये कमीज है, ये तो ये मैंने एक सूट लिया है, मैं जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसको कहते हैं पाकिस्तानी लॉन, पाकिस्तानी लॉन अलकरम का सेट है, डिजाइनर सूट है। अच्छा लग रहा है। ये है क्या, मतलब ये तीन अलग अलग कैसे हो गए? ये कमीज है, अच्छा ये नीचे का है, ओके ओके ओके। स्लीव पे वो सारा, ये दुपट्टे का जो डिजाइन है वो सारा स्लीव का है। हमारे लिए चाय आई है। अरे शुक्रिया शुक्रिया। तो मैंने इधर से अभी 2 सलवार कमीज लिए और हमारे भाई साहब ने बहुत अच्छा डिस्काउंट भी दिया है और इसलिए मैंने 2 लिया। मैं आराम से आपको जाके बाद में दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन से लिए हैं। ये तो हो गया, ये मेरा तो मैं सबसे ही मिलवा देती हूँ। आपका नाम क्या है? हाय हाय, माय नेम इज फराज। और आपका नाम? सलाम अलैकुम, माय नेम इज मुमताज। भाई साहब आपका क्या नाम है? अली नाम है। अली जी, और आपका? सईद। तो मैं एक्चुअली इनके इतना प्यार से ये लोग मुझे चीजें दिखा रहे ना कि मैं मना नहीं कर पा रही हूँ और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ यहाँ आके कि मैं क्या ही बताऊँ, मेरी एक्साइटमेंट नहीं खत्म हो रही। कुछ कुछ दिखा रहे हैं बट मैं आई थिंक आई वांट टू टेक टाइम, थोड़ा सा और घूम लूँ और फिर मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे और क्या क्या लेना है। 2 सलवार कमीज तो मैंने ले ली है। ये तो बहुत ही खूबसूरत है, ये वाला बहुत ज्यादा। जब मैं वापस आ जाऊँ ना तो अविनाश ये कुछ जैकेट्स तैयार ट्राई कर रहा है यहाँ पे ब्लू में। कहाँ गए भाई साहब? जी सर, ब्लू में ये पैटर्न है। जी हम लोगों ने ट्रॉली ले ली है क्योंकि हमें पहले ही पाकिस्तान वाले सेक्शन में घुसते ही समझ में आ गया कि हम बहुत कुछ खरीदने वाले हैं। ये भी हो सकता है ना खरीदे, लेकिन अगर खरीदना पड़ा तो हमें बस जगह नहीं है, कैसे चलेंगे आप? उल्टे पाँव चलेंगे तो उल्टे पाँव वापस गए, ट्रॉली लेके आए और अब आपको दिखाते हैं। ये देखिए, अब हमने अलग तरह से चक्री चलाई है। पहले हम उधर से घूम रहे थे, अब हम इधर से घूम रहे हैं। तो सबसे पहले आगे कुवैत, कुवैत में अभी नहीं जाएंगे। फिर आगे क्या है? पहले कॉफी ले लो, मोरक्को हम कर लेंगे, मैं भी पहले कॉफी ले दो एक। अरे मेरा देश, मेरा देश इंडिया। बेबी इंडिया का कितना खूबसूरत है, देखो सबसे बड़ा इंडिया का दिख रहा है मुझे। नहीं नहीं, सबका इक्वल है यहाँ पे, सबको इक्वल सेक्शन मिले हैं। नहीं लेकिन बनावट देखो ना, सब हर एक चीज की अपनी ब्यूटी होती है। दोस्तों मैं इतनी दुनिया तो नहीं घुमा हूँ, 2-3 कंट्रीज ही गया हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे खूबसूरत कहीं कुछ होगा। क्या लगता है? अरे बेबी ऐसा कॉन्सेप्ट, इजिप्ट में ना वो है मम्मी, नहीं नहीं पापा, वो लटकाने वाले, वो देखो आओ, मैंने कुछ देखा है, घर के लिए लेंगे, हैं घर के लिए लेंगे। बेबी ऐसा तो कोई हमारी बकेट लिस्ट में था नहीं। अब देखो यहाँ प्लान बनाती जा रही हो, ये लेने को कह रही हो क्या? क्या चीज है ये, क्या है ये? अरे सुंदर है बहुत। तो हम लेने क्या आए थे, तुम क्या देख के आई थी अंदर? क्या है ये लटकाने के लिए? ये ट्रे खरीद लिए जो सामान दिखाई दी अभी, लेकिन यहाँ पे भी एक बात मेरे को समझ में आई है, यहाँ पे बहुत जबरदस्त बार्गेनिंग हो सकती है। 50% कम कर दिया उसने एक बार में। आगे अब अपना हम दिखाते हैं हम कहाँ से आए हैं। चलो फिर बेबी जनकपुरी मोड चालू कर लो, यहाँ से ना 20-20 रुपए में चीजें उठा ली तो देखना। बेबी मोरक्को आ गया, यहाँ पे कॉफी जरूर, मोरक्कन कॉफी जरूर होगी। चलो चलना है? नहीं मोरक्को नहीं जाएंगे, कॉफी अंदर नहीं है बेबी, कुछ कॉफी तो बाहर ही बाहर मिलेगी हमें। देखो कितना सुंदर बने हैं ना, देखो इब्न बतूता। बेबी ईरान का कितना सुंदर है भैया, इंडिया के सेक्शन में देख लो शुरुआत ही कहाँ से हो रही है। चाट बाजार सदा
लेडीज को चाट पसंद होती है ना, मेरे को भी पसंद है। देखो कितना प्यारा लग रहा है, बहुत बड़ा सेक्शन है, इंडिया का बहुत बड़ा सेक्शन है। वहाँ से शुरू हो रहा है ये पूरी बॉल, यहाँ तक पूरी बॉल है भाई, है इंडिया का ही सबसे बड़ा है, मानना पड़ेगा। बेबी सब तरह के स्टॉल्स दिख रहे हैं, कॉफी नहीं दिख रही। अफ्रीका, रशिया, अमेरिका, कोरिया, सीरिया, हम लोग अफ्रीका में आए हैं। अगर यहाँ भी कॉफी नहीं मिली अफ्रीका में तो फिर तो नहीं मिलेगी। तो जी ये मसाला चाय तैयार है, मसाला डाला केसर है, केसर केसर डाला है। अरे वाह, आप कहाँ से हैं? जी हम तो लखनऊ से हैं। आप लखनऊ से हैं? अरे वाह, हम गोरखपुर से हैं। तुम्हारी केसर चाय देखो पी के बनाओ कैसी है, अच्छी है, लवली। पकड़ो, कितना कितना देना है? मैंने दे दिया, दे दिया। हमारे पास था ना 100 रुपए थे। तुम्हारे पास कहाँ से है 100 रुपए? मैं बचाया था ना ट्रेन लेके, बता नहीं रही हो, चुपके चुपके बचा रही हो। ये पैसे वापस क्यों नहीं कर रही हूँ मुझे? मैं नहीं, ये वही मैं देख रहा हूँ, मेरे को कोई पैसे दे रहा, यही मैं देख रहा हूँ, मेरे इस बैग में से ना कम होते जा रहे हैं। ये कह रहे हैं थाईलैंड के सामने मिलेगी कॉफी, चलो थाईलैंड चलो, चलो थाईलैंड बिना वीजा पासपोर्ट के। तो जी फाइनली मेरी बेबी को कॉफी मिली है यूरोप सेक्शन के अंदर, पर मिल गई है। कैसी? अच्छी, बहुत अच्छी। चल जाएगा काम? हाँ हाँ। अब शुरू करें आगे का? हाँ, कार्यक्रम। एक घंटा कॉफी ढूंढने वेस्ट कर दिया हमने। वेस्ट कुछ नहीं, हम लोग चलते आ रहे थे, झूठ मत बोलो। तुम्हें मैंने इतने प्यार से तुम्हारी चाय पिलाई, उसका कुछ नहीं। ये मिल रहा मेरे को उसका हिजाब, तो जी सामने मुझे दिख गया है रिप्लीज, जो हम पटाया में गए थे थाईलैंड में ना, जिन्होंने मेरी आत्मा निकाल दी थी मेरे से डरा के। यहाँ मैं अब मर भी जाऊँ तो भी नहीं जाऊँ इसके अंदर। क्यों, अभी तो कह रहे थे जाऊँगा। वो तो मजाक कर रहा था ना, ये तो उससे भी बड़ा, यहाँ तो पता नहीं कितने डराएंगे। तो जी आप लोग ग्लोबल विलेज जरूर 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 आए, अगर दुबई आए तो मिस नहीं कर सकते आप। कि दुबई में आए और ग्लोबल विलेज नहीं किया तो फिर मजा नहीं है। तो जी हम लोग हैं एकदम सीरिया के बाहर और ये जा रहे हैं अंदर। हम लोग निकल रहे हैं ग्लोबल विलेज से, बहुत थक गए, जबरदस्ती मेरे पैर फुट मसाज भी करा दी, दिमाग खराब कर दिया वो भी। और मेरे उल्टा मेरे को नहीं करानी है, उस वजह से और भी कुछ नहीं हुआ मेरे पैर में। तो तुमने वहाँ पे तो नहीं ज्यादा प्रेशर डलवाया था? हाँ, बोल दिया मैंने, मन वो जब पैर कुछ करा ही नहीं सकते तो कराई क्यों। तो अब हम लोग निकल रहे हैं, निकल रहे हैं, बहुत थक गए हैं और हम पूरा कवर नहीं कर पाए, दोबारा तो हम नहीं आ पाएंगे, इतना वक्त है हमारे पास। लेकिन जितना भी था भाई बहुत एंजॉय किया, बहुत बढ़िया। मतलब ये इस जगह पे आपको जरूर आना चाहिए अगर आप दुबई में हो। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद। अरे आनंद का क्या करें, अभी पैर का क्या करना है? ट्रॉली हमने वापस कर दी है और सामान हाथ में उठा लिया है। दोस्तों लास्ट जो आपने क्लिप देखी थी वीडियो की, इसके सीधा आप ये देख रहे हैं, क्योंकि वैसे हालत बहुत खराब है। ग्लोबल विलेज, पूरे ग्लोब का चक्कर लगा के आ रहे हैं, सारी दुनिया का, सारे देश घूम के आए तो थकेंगे ही। भैया आप लोग को मिलते हैं कल, टिल देन गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह सुबह तैयारी हो चुकी है, कमरे की हालत देख के आपको पता लग ही गया होगा कि कितने ब्रूटल तरीके से हम लोग तैयार हुए हैं। ये देख लीजिए सारे कपड़े इधर उधर पड़े हुए हैं, और अब होटल से निकलने से पहले तैयारी है कवच और कुंडल पहनने की। आज मैंने सोचा है कि मैं जूते बिल्कुल ही नहीं पहनूंगी। मैं लगा दूं? हाँ लगा। पकड़ो, चिच्ची उंगली छिल गई है मेरी, दोनों चिच्ची उंगली चली गई, ये तो मेरा गया ही हुआ था। उंगली खोलो। अरे भाई तुमने तो खोल ली, ये तो बड़ा मुश्किल है खोलना। राक्षस प्रजाति की हूँ ना मैं। ठीक है, पैक करूं? हाँ पैक कर दो, दूसरी चिच्ची में भी लगानी है। ये आए हैं ट्रैवल करने और ये हैं ट्रैवल ब्लॉगर, ठीक है, जिन दो दिन चल गए ये चिच्ची उंगली छिल जाती है। मेरा तो है ना, मेरा प्रॉब्लम ये लो दूसरे लिए, मेरा तो प्रॉब्लम है, लेकिन उसमें भी पूरी तरह से चलने की कोशिश कर रही हूँ, ब्लॉग करने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत बड़ी बात है भाई, धन्यवाद अपने आप को कहूंगी मैं। आप लोगों को तो है ही धन्यवाद जो देख रहे हो, लेकिन अपने आप को भी कहूंगी जो ब्लॉग कर पा रहा है। ये कैसे ट्रैवल एंथुसियास्ट है जो 6 महीने में एक बार बाहर निकलते हैं और चिच्ची उंगली चलवा लेते हैं पहले दिन। मेरा तो पैर का इशू है भी भाई,
मेरे पैर, और देखो नजरें भी लगती हैं, नजर भी किसी चीज का नाम होता है। oh, एक no. चीज अच्छी करो दूसरे दिन नजर। लेकिन अभी तैयार हो गई मैं, आज हम लोग जा रहे हैं पहले आई थिंक मीना बाजार पाकिस्तानी सूट वगैरह खरीदने मेरे को, और तो थे। दो खरीदे थे और खरीदूंगी अगर मिल गए अच्छे तो। और उसके बाद कहाँ जा रहे हैं बेबी? डेजर्ट सफारी। डेजर्ट सफारी बेबी, उसके लिए जूते नहीं चाहिए होंगे हमें? डेजर्ट सफारी में जूते क्यों चाहिए? मुझे नहीं पता, चप्पल में रिगड़ जाएंगे हम। अच्छा नहीं लगता बेबी, जूते ले लेते हैं, अच्छा नहीं लगता, ले लेते हैं इन केस। हम लोग पहुंच गए मीना बाजार, और एक्चुअली हमको पता नहीं है कि कहाँ से एक्चुअली हमें लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत लोग बहुत कुछ बता रहे हैं। तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ मैं, और मैं किसी की सुनूंगी नहीं कि आप यहाँ चलो वहाँ चलो, मेरे को किसी की नहीं सुननी। मुझे जो सही लगेगा मैं वहीं पे जाऊंगी। पता नहीं कौन कौन सी यहाँ पे वो बता रहे हैं ये देख लो वो देख लो, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ब्रांड्स ऐसे सच है, है ना बेबी? नहीं, ये तो वो है मतलब धमाकेदार शॉपिंग। हाँ मतलब तो देखती हूँ अभी कौन से मेरे को प्रॉपर सलवार सूट के कपड़े कहाँ से मिलते, देखते हैं। घूमना पड़ेगा थोड़ा, समझ नहीं आ रहा, हमको भी पता नहीं है आपका। जी मैंने 5 पीसेस लिए हैं पाकिस्तानी सलवार कमीज, और मम्मी के लिए हो गए, अविनाश के सिस्टर्स के लिए हो गए, और अमिता के लिए ले लिया, और मेरे को इनमें से कोई एक अच्छा लगा हो गया। अब मुंबई जब पहुंचेंगे ना तभी दिखाऊंगी कि क्या क्या लिया था। तो जी हम लोगों ने एक ही दुकान से सारी शॉपिंग कर ली है, 5-6 जनान इज़निक करके मीना बाजार में दुकान है, और हमें तो बहुत पसंद आया, और सबसे अच्छी बात है कि बहुत बजट में मिला। एक ही शॉप से हमने सब कुछ ले लिया, सबके लिए ले लिया, नमस्ते, बहुत बढ़िया, सब कुछ एक ही जगह मिल गया, अपने बजट में मिल गया। जो फैमिली के लिए जो चीजें लेनी थी वो हो गई, हम लोग सॉर्टेड हो गए। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं डेरा सिटी सेंटर, एक और मॉल है जहाँ पर काफी रीजनेबल चीजें मिलती हैं, तो वहाँ भी एक चक्कर मार लेते हैं, क्योंकि हमें 2:30 बजे डेजर्ट सफारी के लिए निकलना है, तो पिकअप हमारा 2:30 बजे यहाँ से। कैब वाले को दोबारा बोलना पड़ेगा भैया यहाँ से नहीं वहां से पिकअप कर लिया, उसको चक्कर आ गया, तो 3 बार लोकेशन बदल दी। सेंटा क्लॉस, ये कुकी है, चीयर्स। तो गर्म पानी डलवा लो। कैन यू गेट मी सम हॉट वाटर? तो जी फाइनली आज इतने दिन के बाद बिना पैंट के घूम लिया मैं, इतने दिन इतने कपड़े लाया था कुछ यूज नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे पास बेल्ट नहीं थी, बेल्ट आना भूल गया। अब जब ट्रिप खत्म होने वाला है तब जाके ये बेल्ट आई है हाथ में, अब इसका मैं अचार डालू? अब लोअर खत्म करो जल्दी, सारे कपड़े ऐसे कैसे धरे हुए सूट केस में, कुछ नहीं पहना, पजामे पहन पहन के घूम रहा हूँ। कौन बोला बेल्ट डालना मेरे बैग में? तुम, क्योंकि मैं तुम्हारे कपड़े रखने में मशरूफ था इसलिए। तो जी हमारी गाड़ी जो है डेजर्ट सफारी के लिए हमें यहाँ से पिकअप करने वाली है, सिटी सेंटर के बाहर आ गए हम, लेकिन गाड़ी अभी तक आई नहीं है, संभावना थक के जाके बैठ गई है सामने। आ जाओ बैठ जाओ, पकड़ना। तो जी हम लोग डेजर्ट सफारी से पहले थोड़ी देर रुक गए हैं यहाँ पे, क्योंकि टायर की हवा कम की जाती है डेजर्ट में जाने से पहले, तो गाड़ी के चारों टायर्स की हवा थोड़ी कम की जा रही है, वरना डेजर्ट में गाड़ी फंस जाती है। इसको बोलते हैं ड्यून बैशिंग, यानी कि जो रैश ड्राइविंग होती है डेजर्ट के अंदर वो करेंगे अभी हम, उसके बाद आगे के और भी बहुत सारे प्लान्स हैं, फिलहाल ये किया जा रहा है ताकि हम डेजर्ट का पूरा मजा उठा सके। पिंक कैमल कैसे हो गया पता नहीं। तो जी हम लोग गाड़ी की हवा कम करा के निकल चुके हैं, आइसक्रीम दबा चुके हैं, दो लेनी चाहिए थी आइसक्रीम पहले बोलती, अब आगे मिलेगी क्या? अब जो मिलेगा कैंप में ही मिलेगा, वो भी बाद में ना, 1 घंटे बाद। बाद में ये जल्दी खा के सीट बेल्ट लगा लो, इसीलिए बोल रहा था ना। Ladies and gentlemen,